Assalamu alaikum everyone, I hope you all doing well. ये CCE 2020 preparation का तीसरा lecture है और इस lecture में हम मज़ीद continue करेंगे तमाम important MCQs जो कि coming CCE exam के लिए बहुत ज़्यादा important हैं. So let's get started. पहला MCQs है what is the male part of flower? Male part of flower को क्या कहते हैं? So D option is correct, stamens कहते हैं. क्वेश्चन टू को अगर हम देखते हैं तो रिसेंटली हु हैज़ बिकेम द यंगेस्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर रिसीव सितारा इम्तियाज, तो इनमें से कोई भी नहीं है इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है. थर्ड वन अगर हम देखते हैं तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, सुप्रीम लीडर नॉर्थ कोरिया किंग जॉन मीट 12 जून 2018 कहाँ पर ये मिले थे, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, सिंगापुर में ये मिले थे. और अगर हम क्वेश्चन फोर को देखते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि इंडिया इज़ कंस्ट्रक्टिंग कंट्रोवर्शियल बलग्यार डैम ऑन डैश रिवर, किस रिवर के ऊपर ये बना रहे हैं? सतलज रिवर के ऊपर, सी ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन फाइव है बुली कॉर्नर ऑफसाइड एंड स्कोप आर यूज इन डैश गेम, किस गेम में यूज़ होते हैं? हॉकी के अंदर ये यूज़ होते हैं, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन सिक्स देखते हैं कि करेक्ट स्पेलिंग आपने बताने, सो ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास, सो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, एग्रेंटाइज करेक्ट स्पेलिंग ये होते हैं. क्वेश्चन सेवन है टू बी एट लॉगर हेड्स, इसका मतलब क्या होता है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, इसका मतलब होता है टू बी स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट. क्वेश्चन एट देखते हैं हायर देन हो बायोग्राफी बाय फातिमा मीर, सो ए ऑप्शन करेक्ट है इसका. क्वेश्चन नाइन में पूछा जा रहा है वेयर वर द ओलंपिक्स 2018 inaugurated, so C option is correct for this particular MCQs. Question 10 है द स्फेरिकल शेप ऑफ स्मॉल ड्रॉप ऑफ रेन इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, वेरी पॉपुलर MCQs है और बहुत बार आता रहा है ये MCQs. क्वेश्चन 11 है साइनोनियम हेगर्ट का बताना है, सो सी वाइज करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन 12 है हेडक्वार्टर्स ऑफ ECO, ECO का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? सो सी तेहरान के अंदर है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है इस पर्टिकुलर MCQs के लिए क्वेश्चन 12 में. क्वेश्चन 13 है बहुत ज़्यादा पॉपुलर वन लाइट बल्ब इन्वेंट बाय थॉमस एडिसन, वेरी कॉमन. क्वेश्चन 14 है एनालॉजी बतानी कंस्टेलेशन और स्टार्स की, सो सी ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए. क्वेश्चन 15 में आपसे पूछा जा रहा है कि नूरी अ रिनॉन्ड करेक्टर इन शाह जो रिसालो हैज़ हर ग्रेव इन केंजर लेक, इसका करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन 16 है फैन फैथोम इज अ यूनिट ऑफ डेप्थ, वैसे ये यूनिट होता है लेंथ का लेकिन इन टर्म्स ऑफ डेप्थ इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन 17 है बॉडीज विच यूजुअली फॉल फ्रॉम द स्काई ऑन द अर्थ आर कॉल्ड, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, उन बॉडीज को मेट्रियोड्स कहते हैं. देन हमारे पास क्वेश्चन 18 है कंट्री विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सो बी ऑप्शन करेक्ट है. एंड क्वेश्चन 19 है 24 पैरेलल इज द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान का बॉर्डर है. एंड क्वेश्चन 20 है क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, सो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है. तो अगेन हमने कुछ MCQs देखे हैं, आई होप आपको ये MCQs याद हो गए होंगे क्योंकि ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड होती है MCQs को लर्न करने के लिए. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाले तमाम लेक्चर्स आपको मिलते रहें और आप अपडेट रहें MCQs से. सो थैंक यू वेरी मच.